बात कर लेते हैं वैष्णो देवी भवन में हुए हादसे की, जहां हादसे में 12 लोगों की जान चले गई। वैष्णो देवी में कल की रात कितनी भीड़ थी, प्रशासन से भी सवाल उठते हैं कि आखिर कैसे एक साथ इतने लोगों को दर्शन की इजाजत दी गई, वो भी तब जब मंदिर में दर्शन से पहले रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाता है। ये तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें हैं। इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोग पोल पर चढ़ गए। इन तस्वीरों पे आप देखिए ध्यान से, तो आपको दिखाई देगा जो आसपास खंभे हैं वहां पर भी आपको लोग चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन सवाल तो यहाँ बनता है, और सवाल ये कि इन 12 मौतों का जिम्मेदार कौन है। कोरोना काल है, नया साल है, ऐसे में वहां पर दर्शन के लिए भीड़ जुटती ही है, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ जब थी तो उसे नियंत्रित क्यों नहीं किया गया। रात करीब 2 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, भगदड़ मची। अब भगदड़ को लेकर अलग अलग थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। जो लोग वहां मौजूद थे चश्मदीद, उनके मुताबिक वहां पर भीड़ नियंत्रित नहीं की जा सकी और एकाएक भगदड़ मच गई। हालांकि प्रशासन कुछ और ही थ्योरी बता रहा है। प्रशासन के मुताबिक वहां पर 2 गुटों में आपस में हाथापाई हुई, जिसके बाद एकाएक भीड़ अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मच गई। बड़े सवाल इस भगदड़ पर, लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज पूछ रहा है कि भीड़ के हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं थे। बढ़ती भीड़ को देखकर लोगों को रोका क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यहां पर तो दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। क्या प्रशासन से हालात का अंदाजा लगाने में चूक हुई, ये भी एक बड़ा और बुनियादी सवाल आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार पूछ रहा है। 12 लोगों की इस भीषण भगदड़ में मौत हो गई है, 15 लोग बुरी तरीके से घायल भी बताया जा रहा है। वैष्णो देवी भवन में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी कटरा पहुंचने वाले हैं। पूरे हादसे पर एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र ने बात की है। जम्मू में वैष्णो देवी में हुए हादसे का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू पहुंच चुके हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या आप हमें बता पाएंगे इस हादसे की वजह क्या मालूम चल रही है शुरुआती तौर पर? वो तो जैसे आपने अभी सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण, और विशेषकर कुछ एक सालों से एक नया ट्रेंड आया है कि युवा न्यू ईयर ईव पर दर्शन करना प्रेफर करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ये गरीबी हुई। लेकिन प्रधानमंत्री ने आरंभ से ही, जब से सूचना प्राप्त हुई है, स्वयं इसका जायजा ले रहे हैं, और हम भी अगले 30-40 मिनट के भीतर उस स्पॉट पर पहुंच जाएंगे। निरंतर हमारा संपर्क बना हुआ है वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ट्रस्ट के, रमेश कुमार जी, पुलिस अधिकारियों से भी, भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो उसके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, क्या विकल्प होने चाहिए, इस समय उस बात पर भी विचार करना अनिवार्य है। मुझे लगता है बहुत सारी आधुनिक टेक्नोलॉजीज भी हमारे पास उपलब्ध है, LED स्क्रीन्स उपलब्ध हैं, ऑनलाइन विकल्प हैं। कुछ एक श्रद्धालुओं को उस तरफ भी कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि विशेषकर जो खास मौके होते हैं, खास अवसर होते हैं, वहाँ पर भीड़ ज़्यादा मिलती है। जी, गुजरे ज़माने में अधिकतर त्योहारों के मौसम ऐसा देखने को मिलता था, जो कन्वेंशनल डेवोटीज़ हैं नवरात्रि के दिनों में, विजयदशमी के दिनों में, दीपावली के समय, परंतु जो युवा लोग हैं वो न्यू ईयर पर भी, जो एक प्रशासनीय ट्रेंड है उसका किस तरह से, उसका क्या विकल्प हो, उसकी व्यवस्था पर भी विचार करने की ज़रूरत है। बाकी जो लोग जिनको चोट लगी थी उनमें से अधिकतर सामान्य चोट वाले ही हैं, एक दो को छोड़ करके, और कुछ एक को फर्स्ट एड के बाद भेजा भी जा रहा है। ठीक है सर, एक सवाल बस ये है कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वजह क्या थी वो जांच के बाद पता चलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि युवकों के बीच झगड़ा हुआ जिसके बाद भगदड़ हुई, क्या पर्याप्त सुरक्षा बल वहाँ पर मौजूद नहीं थे स्थिति को संभालने के लिए? ऐसा है कि पर्याप्त सुरक्षा बल तो है, और ये अपेक्षित भी होता है कि न्यू ईयर पर ऐसा होगा, लेकिन आपकी चिंता वाजिब है कि इससे बढ़ करके कुछ और भी प्रावधान करने की आवश्यकता है तो वो भी करने पड़ेंगे। साथ ही साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं जागरूकता की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि श्रद्धालु, विशेषकर युवा श्रद्धालु, इतने उत्साहित होते हैं कि कई बार वो नियमों का पालन नहीं करते, और सुरक्षा बल भी बहुत ज़्यादा उनको टोकना समय मुनासिब नहीं समझते कि माहौल इस प्रकार का उत्सव का होता है, ये भी कारण रहा।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो युवा है वो नए साल पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ABP News आपको रखे आगे।